सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओम प्रणाम। आज मैं आप सभी को सूर्य नमस्कार के विषय में बताने वाला हूँ। सूर्य नमस्कार में अभी एक भ्रांति बहुत बड़ी है समाज में। वैसे तो ये सर्वांगीण अभ्यास क्रम है अपने आप में और शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास क्रम है। उसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ समय के विषय में ये बताना चाहूँगा कि सूर्य नमस्कार में जनरली बहुत भ्रांतियाँ हैं। सूर्य नमस्कार में एक तो ये जात संप्रदाय से भी परे है और सूर्य नमस्कार में एक सबसे अच्छी बात यह है कि सूर्य नमस्कार की जो पोज हैं वो 12 हैं और आसन जो है वो 7 हैं। ये विशेष आप ध्यान में रखिए, नहीं तो लोग इसमें कन्फ्यूज बहुत होते हैं। वो आसन 12 बताते हैं, तो आसन जो है वो 7 हैं और जो पोज हैं वो 12 हैं। आसन 7 हैं। पहला आसन जो है वो प्रणाम आसन, नमस्कार पोज जिसे बोलते हैं। दूसरा आसन जो होता है उसका नाम है हस्तोत्थान आसन। तीसरा जो होता है उसका नाम है पादहस्त आसन। चौथा जो है अश्व संचलन दक्षिण। और पांचवा जो है उसका नाम है पर्वतासन। छठवां अष्टांग नमस्कार या साष्टांग प्रणाम भी उसे बोलते हैं। और सातवां जो है वो भुजंग आसन है। फिर उसके बाद वापस होते हैं, आठवां फिर से पर्वतासन आ जाता है, नौवां अश्व संचलन आ जाता है बाएं पैर से करते हुए, और फिर दसवां अभ्यास आपका पादहस्त आसन, ग्यारहवां हस्तोत्थान और अंत में फिर प्रणाम आसन आ जाता है। तो इसी प्रकार से ये 12 पोज होती हैं। आसन जो होते हैं वो 7 होते हैं। मैं आपको इनको करने का तरीका बता देता हूँ। विधिपूर्वक एकाग्रता के साथ, निरंतरता के साथ, एक विश्वास के साथ इस अभ्यास को आप करिए और समस्त रोगों के लिए ये लाभकारी है। और कमर दर्द हो, ओबिसिटी हो, थायराइड हो, सर्वाइकल हो, शुगर हो, बीपी हो, सभी के लिए ये बड़ा ही इफेक्टिव है। बस सामान्य स्थिति, मध्यम व तीव्र, ये कैसे करना है ये आपके सामर्थ्य के अनुसार, जैसे आपकी क्षमता है। अब मैं सर्वप्रथम बता देता हूँ आपको सूर्य नमस्कार कैसे करना है। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए ऐसे बिना सपोर्ट के, फिर दोनों पैरों को आपस में ऐसे जोड़ के रखते हैं। पोजीशन इसकी यही होती है, दोनों पैर ऐसे जुड़े हुए होने चाहिए। सांस को भरते हुए इस प्रकार से दोनों हाथों की हथेलियाँ ऊपर, दोनों हाथों को ऐसे सहजता के साथ जोड़ेंगे, फिर कोहनियाँ ऐसे जुड़ती हुई धीरे धीरे नीचे आएंगे। अब ये पहला आसन है, इसका नाम है प्रणाम आसन। दूसरी स्थिति, दोनों हाथ ऐसे कान से लगे पीछे की तरफ, दृष्टि मन शांत और सहज, हस्तोत्थान आसन। तीन, पूरी हथेली अब जमीन पे, अधिक कमर में दर्द होने पे नीचे की तरफ नहीं जाते, सर घुटनों के बीच में ऐसे। फिर चार, दायां पैर दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में ऊपर आसमान की तरफ दृष्टि, बायां पैर ऊपर की तरफ, घुटना जमीन से न लगे कोशिश करिए इस प्रकार से। फिर पांच, हथेली ऐसे जमीन पे, इसी पैर को ले जाके पीछे रख देंगे, बेड़ी जमीन पे अपनी नाभि को देखते हैं, पर्वतासन। फिर कोहनियाँ जमीन पे, अब चिन ठुड्डी जमीन पे सीधा, और थाई का हिस्सा ऐसे उठा हुआ होना चाहिए। फिर साथ भुजंग आसन, ऊपर आसमान की तरफ दृष्टि, दोनों पैर जुड़े हुए, तलवे फ्लैट लयबद्ध तरीके से। फिर यहीं से आठ, नीचे से सहजतापूर्वक ऐसे ऊपर आइए नाभि को फिर से देखते हुए, पर्वतासन। नौ, बाएं पैर को अब आगे करेंगे, पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, घुटना जमीन से ना लगे, दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में ऐसे पंजा आ जाए, ऊपर आसमान की तरफ दृष्टि, मन शांत और सहज। फिर दस, पूरी हथेली ऐसे जमीन पे, सिर घुटनों के बीच में इस प्रकार से। 11, अब अधिक कमर में दर्द होने पे ऐसे पीछे की तरफ जाने से ये लाभकारी हो जाता है, हस्तोत्थान आसन। अंत में ऐसे 12 प्रणाम आसन। अब एक बार इसको श्वास पर, श्वास में करके आपको बता देता हूँ। फिर से ऐसे श्वास को भरते हुए जाइए, पुनः धीरे धीरे ऐसे नीचे आएंगे। तीन, पूरी हथेली अब जमीन पे, सर घुटनों के बीच में। फिर चार, दायां पैर ऐसे आगे ऊपर आसमान की तरफ दृष्टि, लंबी गहरी सांस को भरते हुए। पाँच, पूरी श्वास को ऐसे छोड़ते हुए। फिर छः, सामान्य स्थिति में श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे ऊपर आइए। सात, भुजंगासन, ऐसे सांस को भरते हुए। अभी कमर दर्द में बड़ा ही लाभकारी अभ्यास क्रम है, सामने के एक्सिस पैड के लिए भी। फिर आठ, सांस को छोड़ते हुए। अब नौ, बाएं पैर से ऐसे ऊपर की तरफ दृष्टि। फिर दस, पूरी हथेली जमीन पर, पादहस्तासन, सर घुटनों के बीच में, लंबी गहरी सांस को भरते हुए। ग्यारह, और अंत में ऐसे 12। अब सामान्य स्थिति ये हो गई। फिर जो थोड़ी तीव्रता के साथ कर सकते हैं मध्यम स्थिति में, वो ऐसे श्वास को भरते हुए दो, फिर धीरे धीरे नीचे, पूरी सांस को छोड़ते हुए। तीन, चार में फिर से सांस को ऐसे भरेंगे। पांच, पर्वतासन में सांस को छोड़ते हुए। फिर छः, घुटना ऐसे, अब यहीं से सात ऐसे ऊपर की तरफ दृष्टि। फिर आठ, अब नौ, बाएं पैर को ऐसे आप राइट मेथड, राइट टाइमिंग के साथ, कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी। फिर हथेली जमीन पे, सर घुटनों के बीच में, ऐसे ऊपर आइए सांस को भरते हुए, फिर धीरे धीरे नीचे। अब ये 12 पोज हो गई और 7 आसन
सूर्य नमस्कार के जो है इसको आप कर सकते हैं। आप जो युवा हैं वो थोड़ी तीव्रता के साथ ऐसे कर सकते हैं, दो बार मैं तीव्रता के साथ भी करके आपको बता देता हूँ। इस तरीके से फिर 3, 4, 5 ऐसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फिर से धीरे धीरे नीचे 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो ऐसे सूर्य नमस्कार अपने आप में एक सर्वांगीण व्यायाम है जिसको आप सभी अपने स्थान पर कर सकते हैं और ये बड़ा ही लाभकारी है और उधर रोगों के लिए कफ पित्त वात इन दोषों में बहुत ही इफेक्टिव अभ्यास क्रम है। इसका नियमित रूप से आप अभ्यास करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और 5 मिनट में ये सहजतापूर्वक आप सभी 11 से 21 बार लगभग कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर करने का अभ्यास करें और अपने जीवन में योग के महत्व को समझते हुए अपने आप को योगी बनाएं, निरोगी बनाएं। इसी भाव के साथ मैं आपसे ये विनती करूँगा, निवेदन भी करूँगा कि आप सभी इस वीडियो को देखें और अपने आप को स्वस्थ करें और दूसरों को भी ऐसे वीडियोस के माध्यम से स्वस्थ करने की एक सलाह भी उनको दें और एक उच्च दृष्टिकोण रखते हुए अपने जीवन को दिव्य और महान बनाएं। इसी भाव के साथ आप सभी इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को ओम प्रणाम।